आज की चर्चा मैं उन ट्रांसपोर्टर्स भाइयों के बिजनेस के संबंध के ऊपर करना चाहता हूँ जो पूरे देश में दिल्ली से माल को आना जाना लाने ले जाने का काम करते हैं और लगभग पिछले आज़ादी के बाद से लगभग 70 वर्षों से लगातार पूरे देश भर के अंदर जो भी सामान परचून का हो, होलसेल का हो या किसी और विषय का हो उसके ऊपर वो पूरे देश के अंदर दिल्ली से सप्लाई करते हैं। मित्रों, उन ट्रांसपोर्टर्स भाइयों के सामने 2006 में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई थी कि अचानक बिना नोटिस दिए, बिना कोई चर्चा किए कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा पूरे देश भर में दिल्ली में हो रही थी और बिना किसी चर्चा के जो पुरानी दिल्ली क्षेत्र था जिसको बाद में मास्टर प्लान के अंदर केंद्र की सरकार ने स्पेशल एरिया का नाम दिया था उसके दायरे में आने वाले ट्रांसपोर्टर्स बंधुओं के काम को अचानक पुलिस और कॉरपोरेशन का स्टाफ आया और उनको अपनी दुकानों से बाहर कर कर उनके दुकानों पर उनके गोडाउंस पर ताले लगाकर चला गया और ये कह दिया गया कि ट्रांसपोर्टर्स इलीगल स्थिति के अंदर चल रही हैं, मास्टर प्लान में उनका कोई प्रावधान नहीं है और उस स्थिति के अंदर घर बैठे हुए ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को ताला लगाकर रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाना पड़ा, सड़क पर आना पड़ा। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस समय के जो ग्रुप्स या एसोसिएशंस जो मार्केटों के अंदर ट्रांसपोर्टर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे उन्होंने कोर्ट का रुख किया, हाई कोर्ट गए लेकिन उनको किसी भी प्रकार का रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिला। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको EPCA, सुप्रीम कोर्ट की एक बॉडी है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म EPCA, उसके अंदर भेज दिया गया। और EPCA की कुछ कमेटियों के अंदर जब ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधि बंधु वहाँ पहुँचे तो उनके ऊपर ये तलवार लटका दी गई कि या तो आपको बाहर जाना पड़ेगा नहीं तो कुछ प्रतिबंधों के साथ आप काम कर सकते हैं। और वो प्रतिबंध इस प्रकार से लगा दिए गए कि उनको ये कह दिया गया कि जो बंधन आपके हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, यदि उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट का काम अपने शहरी दायरे में नहीं कर सकते। ये हालात जब खड़े हुए तो हम कुछ लोगों ने ध्यान किया और जब 1962 के मास्टर प्लान का हवाला दिया जाता था, 1981 के मास्टर प्लान का हवाला दिया जाता था तो हमने 1962 1981 के मास्टर प्लान की कॉपियों को पढ़ा और पढ़कर ये ध्यान किया कि ये सब प्रोसीजर के शहर के दायरे में, जो दिल्ली 6 का पुराना क्षेत्र है इस शहर के दायरे में ट्रांसपोर्ट्स की गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं, लेकिन तत्कालीन सरकारों के पास ट्रांसपोर्टर्स को किसी और जगह पर भेजने के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग उनके सामने नहीं थी। और 2006 तक, जबकि 1962 के मास्टर प्लान में ये प्रोविजन था, 1981 के मास्टर प्लान में प्रोविजन था और 2001 से लेकर 2021 का जो मास्टर प्लान छोटे रूप में ब्लूप्रिंट के रूप के अंदर आया था उस मास्टर प्लान के अंदर भी उनको भेजने के लिए प्रोविजन किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग न दिल्ली सरकार की थी, न केंद्र की सरकार की थी और न ही DDA की थी। उन हालातों के चलते हुए हमने उस मास्टर प्लान के उन प्रोविजंस को, उन प्रपोजल्स को पढ़ने के बाद फिर 2007 2008 के अंदर हमने LG, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम करते हैं, उनको लिखा पढ़ी करनी शुरू की और कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे कि इनको वहाँ से बाहर भेजा जाए, EPCA के जो ऑर्डर्स थे कि बाहर भेजा जाए, उन प्रोविजंस को, उन प्रपोजल्स को आगे बढ़ाते हुए उस समय पर LG को लिखा पढ़ी शुरू की। लेकिन बड़ी मुश्किल से भी
किसी भी प्रकार का, क्योंकि दिल्ली की सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रपोजल नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, तो वो लोग भी इस प्रकार की फाइल को अनदेखा करते हुए चल रहे थे। आखिरकार बार बार लिखा पढ़ी होने पर और दिल्ली के अंदर उस समय पर 2008-09 का जो पीरियड था, उस समय पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलए थे और डीडीए कमेटी के मेंबर थे। डीडीए कमेटी के मेंबर होने के नाते मैंने उनसे संपर्क किया था और उनको कहा था कि ये तलवार लगातार लटकी हुई है, अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए हम शहर के क्षेत्र के अंदर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदामों को चला रहे हैं। उन्होंने उस समय के जो हमारे एलजी थे दिल्ली के, उनसे संपर्क करके उनको बराबर चिट्ठियां लिखकर और समय समय पर जो टीडीए कमेटी की मीटिंगें होती थी उन मीटिंगों के अंदर इस विषय को रखकर ये स्थिति पैदा की कि आखिरकार 2010 में डीडीए की तरफ से दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को पत्र भेजा गया कि पुराने दिल्ली क्षेत्र दिल्ली 6 के अंदर जो ट्रांसपोर्ट्स के गोदाम काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां चालू हैं, उनका सबका सर्वे करवाया जाए। और ये सर्वे की सारा का सारा ये सर्वे 2010 के टेन्योर के अंदर अप्रैल मई जून के आसपास से शुरू हुआ था और 2010 में ये सर्वे होते हुए कुल मिलाकर जिसके अंदर 12 टूटी, सदर बाजार, बहादुरगढ़ रोड, तेलीवाड़ा, कुतुब रोड चौक से लेकर पुल मिठाई तक, उसके साथ में आपका कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, नया बाजार, आज़ाद मार्केट, लाइब्रेरी रोड, आपका दया बस्ती का क्षेत्र, करौल बाग का, कश्मीरी गेट का जो क्षेत्र है वो, और गोखले मार्केट, खन्ना मार्केट का, आपका अजमेरी गेट के पास में वहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदाम है कमला मार्केट के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों का जो सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर कुल मिला के 1131 गोदाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों के उस सर्वे के रिकॉर्ड में आए, जिसको दिल्ली नगर निगम के जो 4 जोन थे, सदर पहलगंज जोन, आपका सिविल लाइन जोन, सिटी जोन और करौल बाग जोन, इन 4 जोन के डीसी के माध्यम से और उनके नीचे के स्टाफ के माध्यम से कुल मिलाकर 1131 गोदामों की रिपोर्ट दिल्ली नगर निगम ने डीडीए को 2012 के अंदर भेजी। 2012 के पश्चात हम लगातार डीडीए में संपर्क करते रहे, लेकिन तब भी उस समय सरकारों का रुख पॉजिटिव नहीं रहा और उन्होंने बराबर इस समस्या की तरफ अनदेखी की। लेकिन 2014 में जब केंद्र के अंदर सरकार बदली, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर केंद्र में नई सरकार का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्लोगन था पूरे देश के विकास के संबंध में, सबका साथ सबका विकास, इस स्लोगन को लेकर हमारे क्षेत्र के अपने बड़े विश्वसनीय और माननीय सांसद, बाद में वो केंद्रीय मंत्री का दायित्व तो उनको 2014 के अंदर मिला, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जिनके नेतृत्व में 2008 से लेकर 2014 तक के पीरियड के अंदर हमने डीडीए में एलजी हाउस के अंदर लगातार लिखा पढ़ी की थी, उसी नेतृत्व ने आगे बढ़कर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 2014 से लेकर 2017 के समय तक अनेक प्रकार की डीडीए के साथ अपने मंत्रालय के अंदर बैठ के आयोजित की और डीडीए की तरफ से जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। उस प्रयासों के अंदर जो डीडीए के समस्त अधिकारी मौजूद रहे, वाइस चेयरमैन, कमिश्नर प्लानिंग, उनके विभिन्न क्षेत्रों के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, स्तर के रैंक के अधिकारी उसके अंदर मौजूद रहे और 2017 के पीरियड में आखिरकार डीडीए ने इस बात को माना
कि 2012 के अंदर जो नगर निगम ने डीडीए को 1131 ट्रांसपोर्टर्स के गोदामों की सर्वे रिपोर्ट भेजी थी, उसको एक बार दोबारा से सर्वे कर लिया जाए। और सर्वे के आधार पर उन्होंने, उस सर्वे के अंदर उन्होंने 14 पॉइंट प्रोफॉर्मा और एक लेटर हर ट्रांसपोर्टर्स को, जो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उनके पास था, वो सबको भेजा। और सभी ट्रांसपोर्टर्स भाइयों ने उस सर्वे के को अंदर पूरा योगदान देते हुए डीडीए को अपने पत्र भरकर भेजे, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट उन 14 पॉइंट प्रोफॉर्मा के अंदर थी। मित्रों, 2017 के इस काम के पश्चात ये जो सर्वे हुआ, ये अप्रैल मई जून 2017 तक चला, और उसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग सभी ट्रांसपोर्टर्स भाइयों ने, उनके बीच में काम करने वाले जो यूनियन के लोग थे, कुछ एसोसिएशंस के लोग थे, कुछ और लोग जिन्होंने वहाँ पर क्षेत्रों के अंदर अलग-अलग ढंग से एसोसिएशंस या वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स भाइयों के हितों की चिंता के लिए जो ग्रुप्स बना रखे थे, उन सभी ने पूरा पूरा सहयोग देते हुए इस पूरे काम को अंजाम दिया। 2017 के बाद लगातार फिर जो और बैठकें हुई, और मंत्रालय के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपने कार्यकाल में उन बैठकों में जो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान निकालते हुए इसको पूरा किया, उसमें आज मैं अपने समस्त ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने धैर्य रखकर हमारे को पूरा सहयोग किया। बधाई इसलिए देता हूँ कि उनके धैर्य की सीमा 2014 से 2019 तक चलती रही, और उस सीमा ने उन्होंने उसमें उन्होंने जो भी हमारे को सहयोग की आवश्यकता थी, वो आवश्यकता को पूरा किया। और आज डीडीए ने नरेला के अंदर जो आईएफसी इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर डीडीए ने 17.5 हेक्टेयर जमीन के अंदर एक नया ट्रांसपोर्टर्स नगर बनाने का निर्णय 2019 के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर उन्होंने विधिवत रूप से ले लिया। और 2019 के इस जनवरी फरवरी में जो निर्णय लिया, उसके पश्चात उस 17.5 हेक्टेयर जमीन का पूरा डायमेंशन प्लान उन्होंने हमारे को अवेलेबल कराया। मित्रों, 2019 के जनवरी फरवरी में जो हमारे को डायमेंशन प्लान प्राप्त हुआ था, उसको आधार बनाकर और उसी के ऊपर आगे काम करते हुए डीडीए के अधिकारियों ने अप्रैल के महीने के अंदर उस 17.5 हेक्टेयर जमीन में 1020 प्लॉट पूरे के पूरे नक्शा तैयार करके, उसमें अनेक प्रकार के आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ उसका पूरा नक्शा तैयार करके हमको अवेलेबल करा दिया है। मैं बधाई देता हूँ अपने सभी ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से हमारे को समय समय पर अपना योगदान दिया। और इस 1020 प्लॉट के अंदर से ये तय हुआ कि 50-50 मीटर के वो प्लॉट सबको एक जैसी सिमेट्री के अंदर 50-50 मीटर के प्लॉटों को काट कर उन्होंने ये 1020 प्लॉट का एक नरेला में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना का मार्ग डीडीए ने खोला है। और इसके साथ ही साथ जो आधुनिक सुविधाओं के साथ में जो विषय उन्होंने लिए, वहाँ पर एक मार्केट का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पर पार्किंग स्थल होने चाहिए, वहाँ पर पार्क होना चाहिए, इस प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के लिए भी उस 17.5 हेक्टेयर जमीन के अंदर उन्होंने कुछ हिस्से छोड़े हैं। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डीडीए ने कंप्लीट किया है। अब आगे मैं आपके ध्यान में ये डालना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर जरा विशेष ध्यान देकर चलें, कि आने वाले अगस्त के महीने में और हो सकता है सितंबर तक भी, इस समय डीडीए जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराए थे 2017 के अंदर,
उन डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच चल रही है और उस आधार के ऊपर डीडीए अगस्त के अंतिम सप्ताह में और शायद सितंबर तक डीडीए आपको लेटर भेजेगा। उस लेटर में कागजी कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए आपसे डीडीए उम्मीद रखता है। ये जो कागजी कार्रवाइयाँ हैं, ये आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स जो 2017 में आपने जमा कराए थे उनकी विश्वसनीयता जांचने के लिए, और वास्तव में आप वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं उसके आधार बनाकर डीडीए उन कागजों की बारीकी से अध्ययन कर रहा है और उस अध्ययन के आधार पर वो आगे सितंबर मास के अंदर जो लेटर्स आपको मिलने वाले हैं उन लेटर्स के हिसाब से जो कार्रवाई आपसे वो उम्मीद करते हैं वो आपको पूरी करनी होगी, तब आपकी एलिजिबिलिटी प्लॉट प्राप्त करने की हो पाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ पूरा धैर्य रखते हुए आपने 2014 से लेकर आज 2019 तक एक एक कदम के ऊपर हमारा सहयोग किया, हमारा समर्थन किया और आपके सहयोग और समर्थन के साथ ही हम मजबूत कदम उठाकर आने वाली पहले जो समस्याएं चल रही थी उनका समाधान निकालने में सफल रहे, तो इस काम के अंदर भी जो डीडीए से पत्र प्राप्त होने वाले हैं उनमें भी आप भरपूर सहयोग देकर और इस ट्रांसपोर्ट नगर को पूरी तरह से एक प्रकार से विकसित होते हुए आप अपने सामने देख पाएंगे। मैं ये आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि मेरी और आपकी मैं कह सकता हूँ कि आपकी और मेरी उम्र के अंदर अब जो भी समय बाकी है उसमें यह ट्रांसपोर्ट नगर अब एक अंतिम ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में दिल्ली में आपके सामने रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जगह सीमित होती जा रही है, घटती जा रही है और केंद्र सरकार के अनेकों प्रोजेक्ट दिल्ली में जो चल रहे हैं उसमें दिल्ली में डीडीए से जमीनों की आवश्यकता है और दिल्ली के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए केंद्र की तरफ से जिन प्रोजेक्ट्स के लिए भी जमीनें मांगी जाती हैं डीडीए को उन प्रोजेक्ट्स को वरीयता देते हुए प्रेफरेंस देते हुए उन जमीनों को देना पड़ता है, उसके कारण आज दिल्ली के अंदर जमीन बिल्कुल घटती जा रही है और यह अंतिम ट्रांसपोर्ट नगर अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को अपने ट्रेड के लोगों के ऊपर के बारे में चिंता करते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि कुछ भी नहीं तो हम अपने ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को कम से कम 1981 में जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित हुआ था उसके बाद 2019 के अंदर हम ये ट्रांसपोर्ट नगर आपको देने में सफल हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हुआ आपको अंत में ये जो डायमेंशन प्लान डीडीए ने हमें दिया था 17.5 हेक्टेयर जमीन के संबंध में वो कॉपी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद में मार्च के अप्रैल के महीने के अंदर जो 1020 प्लॉट्स को कट करके जो उस पूरे 17.5 हेक्टेयर जमीन के अंदर उन्होंने सुविधाओं के साथ में जो हमारे पास में प्लान दिया है मैं उसको भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एक डाटा ये भी आपको दे रहा हूँ, टोटल 17.75 हेक्टेयर जमीन के अंदर जो 1,77,500 स्क्वायर मीटर बनती है इसमें 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। ए ब्लॉक के अंदर कुल मिला के 375 प्लॉट हैं, बी ब्लॉक के अंदर 393 प्लॉट हैं, सी ब्लॉक में 252 प्लॉट हैं, ये तीनों मिलाकर 1020 प्लॉट हैं। इसके साथ ही मेन रोड के ऊपर बिल्कुल मेन रोड के ऊपर जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट नगर की शुरुआत होगी उसके अंदर सीएनजी स्टेशन के लिए 1,485 स्क्वायर मीटर की जगह छोड़ी गई है, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 1,989 स्क्वायर मीटर की जगह है, लोकल शॉपिंग सेंटर के लिए 3,012 स्क्वायर मीटर की जगह है, डिस्पेंसरी के लिए 1,216 स्क्वायर मीटर की जगह है, पेट्रोल पंप के लिए 1,490 स्क्वायर मीटर की जगह है।
इसके साथ ही साथ टोटल इन तीनों ब्लॉकों में 3 पार्किंग स्थल, जिनके अंदर आई हुई गाड़ियां जो सड़कों के ऊपर ना खड़ी हों और वो खड़ी करने के लिए 3,770 स्क्वायर मीटर, 2,088 स्क्वायर मीटर और 1,570 स्क्वायर मीटर के ये 3 पार्किंग स्थलों के लिए जगह छोड़ी गई है। मित्रों, अभी मैंने जो 1,020 प्लॉट का नरेला ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में आपसे चर्चा किया है और उसका TDA ने जो हमारे को पूरा प्लान बनाकर आधुनिक सुविधाओं के साथ दिया है, यह कॉपी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इससे आपको ये स्पष्ट हो सकेगा कि ये एक नया ट्रांसपोर्ट नगर DDA की तरफ से हमारे को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिया जा रहा है। ये तीन ब्लॉक हैं और इन 3 ब्लॉकों के अंदर जो मैंने अभी आपको डाटास दिए हैं, उन डाटास के हिसाब से इसमें प्लॉट की कटिंग, 60 फुट की चौड़ी सड़कें और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, मार्केट का एरिया, पार्किंग स्थल और दूसरी सुविधाओं की जो चर्चा मैंने आपको की है, उस सारी चर्चाओं को प्रैक्टिकली रूप से मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपने सभी ट्रांसपोर्टर्स भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दें। मैं अपनी बात को समाप्त करते समय मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ कि अगस्त एंड में और सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए DDA की तरफ से जो पत्र प्राप्त आपको होने लगा वाला है, उसको जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके जब जमा करा देंगे तो हम इस फाइल को और आगे बढ़ाकर आपको प्लॉट दिलवाने के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतनी हमारी कोशिश होगी। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।